अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बनाने जा रहे हैं कुरेशी कबाब। इसके लिए हमने मटन का कीमा ले लिया 1 किलो। इसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। सब्ज़ धनिया ले लिया है, 2 टेबल स्पून हमने ले लिया सब्ज़ मिर्च की पेस्ट, 2 टेबल स्पून हमने ले लिया लहसुन और अदरक की पेस्ट, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिया, इन्हें हमने फाइनली चॉप कर लिया है। स्पाइसिस हमने ले लिया 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून साबुत खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून हमने ले लिए गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून क्रश्ड रेड चिली, 1 अदद हमने एग ले लिया। अब हम लेंगे एक बाउल, उसमें ये कीमा ऐड कर दें, सब्ज़ धनिया मिर्च लहसुन अदरक प्याज ये सारे मसाले ऐड कर दें। के साथ ही हम अपनी सारी स्पाइसेस ऐड कर देंगे। देखिए हमने एग भी ऐड कर दिए। इन सब चीजों को हमने डालकर हाथों की मदद से अच्छी तरह से हमने कर लेना मिक्स। और ये देखिए हमारे कबाबों का मिक्सचर हो गया तैयार। अब हम इसे एक प्लेट में ऐड कर देंगे। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 10 मिनट बाद हम इसके कबाब तैयार करेंगे, तैयार कर लेंगे इस तरह। प्लेट में रखते जाएं, इस तरह हमने मिक्सचर को उठाना है, इसका कबाब बना लेंगे। ये देखिए इसी तरह हमने अपने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। ये देखिए हमारे कबाब हो गए तैयार। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब हम लेंगे एक पैन, इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लें और इसमें हम कबाबों को डालते जाएंगे इस तरह। साथ साथ हम बनाते जाएंगे, साथ साथ इसे फ्राई भी करते जाएंगे। ये देखें अब हम कबाबों की साइड कर लेंगे इस तरह। और ये देखें हमने सारे कबाबों की साइड काट ली है तेज। अब हम इसे 5 मिनट ढक देंगे लो फ्लेम पे ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। देखिए 5 मिनट हो गए, बाबू ने अपना पानी छोड़ दिया। अब हम इसे तेज आंच पे पकाएंगे। 5 से 7 मिनट मजीद लगेंगे पानी खुश्क होते हुए। इनकी साइड कर लेंगे चेंज इस तरह। और ये देखिए हमने सारे कबाबों की साइड कर लिए थे। अब इसे 5 मिनट इसी तरह तेज आंच पे पकने दें। देखिए 5 मिनट हो गए, कबाबों में से पानी अच्छी तरह से हो गया खुश। हमारे कितने जबरदस्त कबाब हो गए हैं तैयार। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून लेमन जूस, ये ऐड कर दें। इसे इसी तरह पकने दें तेज आंच पे ताकि लेमन का जूस अच्छी तरह से कबाबों में मिक्स हो जाए तैयार। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह। देंगे एक पैन, उसमें 1.5 टेबल स्पून ऐड कर देंगे बटर। ये देखिए हमारा बटर मेल्ट हो रहा है। और ये देखिए हमने कबाब सारे प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हम इसके ऊपर ये मेल्ट किया हुआ बटर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम थोड़ा सा सब्ज धनिया ऐड कर, इसमें हम ये गरम किया हुआ कोयला रख देंगे। इसके ऊपर हम ये 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और इसे हम ऊपर से ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। ये देखें 5 मिनट हो गए, हमारे कबाब हो गए हैं तैयार। देखें नाज़रीन, हमने अपने करेशी कबाब कर लिए हैं डिश आउट। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।